स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग अवकलन के देखेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसके देखेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग अवकलन के देखेंगे क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है तो इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज होते हैं, तो इससे हम ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। एक आधे क्वेश्चन हम लोग आव्यू से भी देख लेंगे क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर हैं हम लोग पार्ट पार्ट करते हुए सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग यही दो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है यदि देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ ना, ये सारे ही क्वेश्चन आपके किसी ना किसी ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड में टोटल 7 सेट बनते हैं हर साल, ठीक है। तो 7 सेट बनते हैं तो हर सेट में आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराते चलता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई है तो dy अपॉन dx निकालिए। मैं आपको बता दूं जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे dy अपॉन dx निकालिए, आपको समझ जाना है कि आपका ये किस चैप्टर से पूछा गया है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो आपका अवकलन है उससे पूछा गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। हमारे पास दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है 10x प्लस वाई, ये हमारे पास दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे दो फंक्शन दे दिया है तो आप क्या करेंगे किसी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। जब भी आपको दो टाइप के फंक्शन दे मतलब मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन दिए हों तो इसमें फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आपने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको आपने सेकेंड फंक्शन, y आपका फर्स्ट फंक्शन और x है आपका सेकेंड फंक्शन, तो फॉर्मूला होता है, आप इसको जब करेंगे तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट का मल्टीप्लाई, जैसे आप करते हैं फर्स्ट का मल्टीप्लाई और सेकंड का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, x का देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dx अपॉन dx हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस देखो फर्स्ट का गुणा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का गुणा सेकंड है x और फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट है y dy अपॉन dx हो जाएगा इसका। देखो एक बार क्या करना है, फर्स्ट का गुणा करना है सेकंड का अवकलन, फिर प्लस करना है सेकंड का मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक। ये कर दिया, प्लस y स्क्वायर का करोगे तो सबसे पहले 2y आएगा, उसके बाद जब y का करोगे तो dy अपॉन dx आएगा, ठीक। ये कर दिया इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक। प्लस यहाँ से हम लोग y का करेंगे फिर से तो dy अपॉन dx आएगा, हमें याद रखना कि dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 हो गई तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचेगा y प्लस x dy अपॉन dx, प्लस यहाँ से लिखेंगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। अब हमें करना क्या है, देखो dy अपॉन dx वाले जितने भी टर्म है, जैसे इसमें dy अपॉन dx है, इसमें dy अपॉन dx है और इसमें dy अपॉन dx है, तो क्या करेंगे dy अपॉन dx वाले जितना भी टर्म है सबको एक साथ कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको देखो ये y है, y को हम इधर लेकर आएंगे और ये dy अपॉन dx को हम इधर लेकर आएंगे। देखो कैसे करेंगे, इसको आप सेम रखो, y को सिर्फ हटाओ तो यहाँ से बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा x dy अपॉन dx, ये सारे टर्म आपके पहले से यहाँ पर हैं, 2y भी है, dy अपॉन dx है, ठीक। ये आपका एज इट इज है, यहाँ तक एज इट इज है। अब ये dy अपॉन dx इधर आएगा तो ये माइनस का d, वहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का dy अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ से हम लोग लिखेंगे इक्वल टू sec स्क्वायर x। अब ये y इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, इधर प्लस में y था इधर गया तो माइनस में y हो जाएगा। अब आप देखोगे तो इसमें भी dy अपॉन dx है, इसमें भी dy अपॉन dx है और इसमें भी dy अपॉन dx है, तो हम क्या करेंगे इसमें से dy अपॉन dx सब में से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे dy अपॉन dx, इसको कॉमन किया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, पहले तो बचेगा x प्लस 2y, उसके बाद हमारे पास माइनस, यहाँ पे देखो जब कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक, और इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस का y, ये हमने कर दिया। अब देखो हमें चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू, तो सिंपल आपको क्या करना है dy अपॉन dx इक्वल टू लिखेंगे और इधर जाएगा तो इधर ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये एज इट इज है, अपॉन में कर देंगे, जब इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो लिखेंगे x प्लस 2y
माइनस वन, ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन dx का फाइनल वैल्यू। ठीक, ये देखिए आपके तीन नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पाँच नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए पाँच नंबर का पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन में बोला यदि आपके पास वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई और प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के है, तब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर बोल रहा है जहाँ पर ये जो के है, ये के आपका एक नियतांक यानी कि कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखी है उसको हम लोग लिखते हैं। दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस में दे रखा है कॉस एक्स वाई और इक्वल टू दे रखा है के, ये हमने लिख दिया। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप साइन स्क्वायर वाई का करोगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा टू साइन वाई। ठीक, साइन स्क्वायर वाई का करने पर टू यहाँ पर आ जाएगा और लिखेंगे साइन वाई। उसके बाद जब साइन वाई का करोगे तो आपके पास आएगा कॉस वाई। उसके बाद जब आप y का करोगे, देखो इसमें अल्टीमेटली आपके तीन बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। पहले साइन स्क्वायर y का किया तो 2 साइन y आ गया, उसके बाद साइन y का किया तो cos y आ गया। जब y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, ये कर दिया। ठीक, तीन बार डिफरेंशिएशन हुआ उसका। उसके बाद देखो cos xy है, यहाँ पे क्या है cos xy, तो cos xy का हम लोग करेंगे तो माइनस का sin xy आएगा, तो माइनस का sin xy कर दिया। उसके बाद यहाँ पे xy दो टर्म है तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे dx d अपॉन dx और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x इंटू वाई। यहाँ पर वही वाला फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा था। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं तो एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब इक्वल टू के, जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन में कि के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। तो ये कर दिया हमने जीरो। ठीक, अब हमें करना क्या होगा, अब हम देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरा टर्म है इसको लिख लेते हैं, लिखना है टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। ठीक, अब देखो इस पूरे टर्म का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो लिखा फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद हम लोग करते हैं प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा और इसकी वैल्यू क्या आती है, वन आती है। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आएगा तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं वन और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर दिया। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर जो देखो साइन एक्स वाई है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टू साइन वाई इंटू कॉस वाई, याद रखना हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटू एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, देखो इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ पहले इसका, तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये माइनस का साइन एक्स वाई है ना, तो ये माइनस का साइन एक्स ये माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो लिखेंगे माइनस का साइन एक्स वाई इंटू ये वाई आपका ऐसे हो जाएगा इक्वल टू के जीरो हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे टू वाई टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन एक्स वाई इंटू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए ये जो माइनस में टर्म है ना आपका, माइनस साइन एक्स साइन एक्स वाई इंटू वाई, इसको हम लोग क्या करेंगे जब इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में, तो इधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ साइन इक्वल करके साइन एक्स वाई इंटू वाई, ये हमारे पास हो गया, हमने कर दिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि ये एक पूरा टर्म है और एक ये पूरा टर्म है। अब इसमें आप देख रहे हैं तो क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, आप सभी को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों में से हम इसको कॉमन करते हैं, जो कि हमें चाहिए ही डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं बचता क्या है, यहाँ पर तो बचेगा आपका टू साइन वाई कॉस वाई और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का साइन
एक्स वाई और इनटू में हमारे पास बचेगा एक्स, तो ये हमारे पास टर्म बचा और इक्वल टू के हमारे ये चल ही रहा है साइन एक्स वाई इंटू वाई, ये हमारे पास चल रहा है। अब देखिए हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको इधर लेकर आएंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है dy अपॉन dx इक्वल टू, जब हम इस पूरे टर्म को देखिए ये मल्टीप्लाई में पूरा टर्म, जब इधर लेकर आएंगे तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले तो आप लिखेंगे साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे टू साइन वाई कॉस वाई माइनस साइन, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसको आप चाहे तो यहीं पे आंसर लिख सकते हैं, ये भी आपका फाइनल आंसर है, या फिर आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे साइन एक्स वाई इंटू वाई अपॉन में क्या कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो उसी तरीके से साइन टू वाई का फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो हम लोग इस पूरे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन टू वाई का, तो लिखा साइन टू वाई माइनस ये आपका एज इट इज रहेगा साइन एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स वाई और इस वाले x को आप पहले लिख दीजिए इस तरीके से। तो आप इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में आपका, देखिए ये पहले मैं आपको बता दूं ये आपके चैप्टर नंबर 3 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक इस क्वेश्चन में बोला यदि a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो सत्यापित कीजिए ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। इस पूरे ही चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास a दे रखा है b दे रखा है, सबसे पहले a b निकालते हैं ठीक, या फिर आप चाहें तो जैसे आपके पास a दे रखा है आपको a डैश आप पहले निकाल, जैसे आपके पास a दे रखा है a डैश निकालना हो आपको तो क्या करेंगे आप, जो आपके पास कॉलम में है उसको आप रो में चेंज कर दीजिए। a डैश का मतलब a आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए करते क्या है, बेसिकली करना आपको यही होता है कि जो आपका रो में दे रखा है उसको आप कॉलम में चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे ये कॉलम में है तो इसको हम रो में चेंज कर देंगे, तो यही इसका ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस टू फोर फाइव, ये हो गया ए डैश। उसी तरीके से अगर बी डैश भी निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे बी डैश भी निकल जाएगा, बी हमारे पास दे रखा है, बी डैश निकालने के लिए देखिए बी हमारे रो में दे रखा है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये बी डैश की वैल्यू हो जाएगी ठीक। ये हमने ए डैश बी डैश निकाल लिया, अब सबसे पहले हम करते क्या है कि a और b का मल्टीप्लाई करते हैं, a हमारे पास दे रखा है b हमारे पास दे रखा है, ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे यहाँ से ए बी, ए बी इक्वल टू सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं जो कि है माइनस टू फोर फाइव, ये a की वैल्यू है, इसमें मल्टीप्लाई करना है b, वन थ्री माइनस सिक्स ये आपके b की वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जोड़ते कैसे हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो आप एक नंबर को उठाओगे इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप माइनस टू का मल्टीप्लाई वन से करोगे तो माइनस टू आएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई आप थ्री से करोगे तो माइनस सिक्स आएगा, माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस सिक्स से करोगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा उसके बाद 12, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप 4 को उठाओगे फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई, 4 का 1 से तो 4, 4 का 3 से तो 12, उसके बाद 4 का आप 6 से करेंगे माइनस का 24 आ जाएगा। अब सेम उसी तरीके से जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 5, 5 का 3 से करने पर आएगा 15, उसके बाद 5 का 6 से करने पर आएगा माइनस 6 से करने पर माइनस का 30 आ जाएगा ठीक। ये हमने ए बी निकाल लिया, अब ए बी डैश निकालने के लिए सिंपली करना क्या होगा, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए बी निकाल लिया, ए बी डैश निकालने का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए सिंपली करेंगे क्या, जो रो में दे रखा है उसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, माइनस टू माइनस सिक्स ट्वेल्व आपका रो में दे रखा है, इसको आप कॉलम में चेंज करिए, माइनस टू माइनस सिक्स और ट्वेल्व ये आपने कॉलम में चेंज कर दिया, उसी तरीके से फोर ट्वेल्व ये सारे क्या हैं रो में हैं, इसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये आपके पास ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी फाइव फिफ्टीन माइनस थर्टी, ये आपके पास आ गया
ए बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक। अब आप जब बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करें तो ये इतना आना चाहिए, कहा जा रहा है लेफ्ट। ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये आपके पास एल एच एस की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आर एच एस निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले ए डैश बी डैश हम लोगों ने निकाल लिया है पहले ही, अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बी डैश ए डैश, इसका मल्टीप्लाई करना है तो पहले बी डैश की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 1, 3 - 6, ये बी डैश की वैल्यू है। अब ए डैश की वैल्यू लिखते हैं -2, 4, 5, ये हमारे पास दे रखी है किसकी, ए डैश की वैल्यू। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बी डैश ए डैश बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 से तो -2, उसके बाद 4 से तो 4, 5 से तो 5, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई -2 से तो -6, और उसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये 12, 3 का 4 से, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 15। देखो सारे एलिमेंट आपके मैच हो रहे हैं, आप मिलाते जाना। उसके बाद -6 का -12 से तो -2 से तो आएगा आपके पास प्लस, प्लस का 12, -6 का 4 से करने पर -24, -6 का 5 से करने पर -30 आ जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आर एच एस की वैल्यू है। इस वाली मैट्रिक्स को देखो और इस वाली मैट्रिक्स को देखो, दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो यहाँ से आप लिखेंगे एल एच एस इक्वल है आपके किसके, आर एच एस के। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। देखिए यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये आपका उस चैप्टर से लिया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ये आपके पास एक इंटीग्रेशन आपको करने दे दिया गया, इसका मान ज्ञात कीजिए, आपको यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को आई से दिखाते हैं ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिखेंगे 2 cos x - 3 sin x। देखिए हम सभी इंटीग्रेशन को आई से दिखाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस पूरे टर्म को आई के बराबर लिख दिया, जिससे कि हमें ये पूरा टर्म हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। लिखा 6 cos x + 4 sin x और यहाँ से dx कर दिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो आप डिनोमिनेटर वाले में से हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिखा 2 cos x - 3 sin x और अपॉन में क्या करेंगे, 2 जब यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो 2 यहाँ से हम लोग ईजिली कॉमन कर सकते हैं। तो 2 को कॉमन करने पर यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा cos x, उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 sin x हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो जब देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये टर्म आ जाएगा, तो हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ 2 को कॉमन कर लिया। ऐसा क्यों किया, अब जब आप देखो ये जो आपका नीचे वाला टर्म है ना, 2 को छोड़ो और ये जो आपका टर्म है इसको आप क्या करोगे, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, आप इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे t के बराबर लेट करोगे, तो यहाँ से लिखा माइनस, मतलब यहाँ पर लिखेंगे cos x और प्लस 2 sin x, इसको आप इक्वल कर देंगे t के। आपने इस पूरे टर्म को t मान लिया, तो ये पूरा टर्म के प्लेस पे हम लोग t लिख देंगे। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले cos x का करो, 3 तो कांस्टेंट है, cos x का करोगे तो माइनस का sin x आएगा, तो लिखा 3 और sin x, ठीक, माइनस का sin x आ गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे प्लस, 2 को एज इट इज रहने दो, cos x का करोगे तो यहाँ से आप मतलब sin x का करोगे तो cos x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और इक्वल टू जब t का करेंगे तो dt आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टर्म। अब देखो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस वाला टर्म है ना इसको हम पहले लिख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे -3 sin x और प्लस का लिख देंगे 2 cos x और अपॉन में जो वैल्यू है इसको एज इट इज लिखेंगे 2 3 cos x + 2 sin x और यहाँ से लिख दिया dx, ये हमने लिख दिया। अब देखो करेंगे क्या, यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो नीचे वाली जो वैल्यू आपकी, ये जो पूरी वैल्यू है इसके प्लेस पे आप t लिख दोगे, उसके बाद जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है -3 sin x + 2 cos x dx,
देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये किसके बराबर आई है, डी टी के बराबर आई है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझना करा क्या है मैंने, यहाँ पे लिखा है माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स। ये देखो पूरी वैल्यू, ये जो आप देख रहे हैं माइनस थ्री साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरी डी टी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से लिख दिया डी टी अपॉन में आपका 2 है, और इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हमने क्या किया है, इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे हमने t माना है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, t लिख देंगे। अब इतना काम कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो कांस्टेंट दे रखा होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। तो 2 यहां पे 1 बाई 2 क्या है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, बचेगा dt मतलब dt अपॉन t बचेगा। अब यहाँ पे जब dt अपॉन t बचा, तो हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन जब हम लोग 1 अपॉन x dx का जब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आता है, log x आता है। उसी तरीके से 1 अपॉन t का करेंगे तो क्या आएगा, log t आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बाई टू, यहाँ से लिखेंगे log मॉड ऑफ x आता है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ t आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं c, ठीक। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक काम हमें और करना है, यहाँ पे जो हमने t की वैल्यू लेट की थी, हमें t की वैल्यू यहाँ पे ले आकर पुट कर देना है। तो i इक्वल टू यहाँ से लिखेंगे 1 बाई टू लॉग मॉड में जो t है, t के प्लेस पे t की वैल्यू रखेंगे 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे मॉड बंद करते हैं और प्लस का हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस का सी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व कराए, अगले लेक्चर में मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग सारे ही जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे ही कराऊंगा। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन था। अब हम लोग बाकी के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जिस भी चैप्टर पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।